गुड मॉर्निंग ऑल, मैं नवल आप लोगों का मेरे चैनल फिल्म ग्रुप पे स्वागत करता हूँ। अब हम डिस्कस करते हैं डीएफए, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं, कंस्ट्रक्ट अ डीएफए, कंस्ट्रक्ट अ डीएफए विच एक्सेप्ट ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ एटलीस्ट टू। मतलब एक डीएफए हमको लेना है ओवर इनपुट अल्फाबेट सेट ए कॉमा बी, वो एक्सेप्ट ऑल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एटलीस्ट टू। मतलब जिसकी लेंथ क्या हो, एटलीस्ट टू हो, मतलब टू और टू से क्या हो, ज्यादा हो। ठीक है, ये हम लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। तो अब देखो मसलन अब क्या है कि वो लेंथ टू को एक्सेप्ट करे, थ्री को एक्सेप्ट करे, तो हम क्या करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हम क्या करेंगे, लैंग्वेज लिखने का ट्राई करेंगे। तो अब लैंग्वेज क्या हो सकती है इसकी, ए ए, ए बी, बी ए, बी बी, ए ए ए, ए बी ए। मतलब स्ट्रिंग कितनी होंगी, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट क्यों होंगी, क्योंकि ऐसी इनफाइनाइट स्ट्रिंग हो सकती है जिसकी लेंथ कम से कम क्या हो, टू। ठीक है, तो अभी लैंग्वेज इनफाइनाइट है तो ऑब्वियसली बात हम सारी स्ट्रिंग को लिख नहीं पाएंगे, लेकिन हम कुछ स्ट्रिंग लिखेंगे। इसकी हेल्प से हम क्या स्केलेटन बनाने का ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले हम एक स्केलेटन बनाएंगे जो मान लो इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करे, तो ए और ए इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, मतलब ये फाइनल स्टेट होगी, कम से कम इतना तो हमने बना लिया। ठीक है, अब हम ये सारी और स्ट्रिंग को ट्राई करेंगे वन बाई वन। इनपुट ए आया, ए आई एक्सेप्ट करा, ए बी आने के लिए यहाँ पर बी आ जाएगा और बी आने के लिए यहाँ पर बी आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये लेंथ टू की स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहा है। अब हमको यहाँ पर इस स्टेट पे काम करना होगा, क्योंकि इस पे ए और बी कंप्लीट हो गया, इस पे ए और बी कंप्लीट हो गया, इस पे ए और बी की। अब आप देख रहे हो यहां तक मैं कैसे पहुंचा लेंथ टू की स्ट्रिंग को रीड करके, यहां पर मैं कैसे पहुंचा लेंथ टू की स्ट्रिंग को रीड करके। अब कोई भी अल्फाबेट आए उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, टू से ज्यादा होगी, और टू से ज्यादा अगर उसकी लेंथ होगी तो उसको हमको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। तो मतलब अगर इसके बाद ए आए या बी आए उसको हमको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। तो ये हमारा डीएफए हो गया, ये तो हो गया। यहाँ पर ए और बी की ट्रांजिशन देनी है, यहाँ पर ए और बी की ट्रांजिशन देनी है, यहाँ पर ए और बी की ट्रांजिशन देनी है। अब हम कोई भी स्ट्रिंग लेते हैं, मान लो ए बी ए बी ए बी, ये एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ क्या है, टू, ये टू से ज्यादा, ठीक है, टू से ज्यादा है, इसकी लेंथ क्या है, सिक्स है। तो ये इस कंडीशन को फुलफिल कर रही है, देखें क्या ये स्ट्रिंग इस डीएफए को एक्सेप्ट हो रही है। तो देखेंगे ए फिर बी फिर ए बी ए और बी, आफ्टर स्कैनिंग, आफ्टर स्कैनिंग दी स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग को स्कैन करने के बाद हम किस स्टेट पे हैं, Q2 पे, जो कि क्या है, फाइनल स्टेट है। तो ये स्ट्रिंग क्या है, एक्सेप्टेड। क्लियर, हर वो स्ट्रिंग जो इस लैंग्वेज में नहीं आ रही क्या वो रिजेक्ट हो रही है। तो मान लो ये स्ट्रिंग है ए, इसकी लेंथ क्या है, टू से कम है, तो क्या स्ट्रिंग रिजेक्ट हो रही है। ए को रीड करने के बाद हम किस स्टेट पे हैं, P1 पे, क्या P1 फाइनल स्टेट है, नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये स्ट्रिंग क्या है, रिजेक्ट है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये डीएफए हमारा सही। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, ऐसे में आपको कई सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जिससे आपको डीएफए का कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, अभी एक और क्वेश्चन लेते हैं, मान लो कंस्ट्रक्ट का डीएफए विच एक्सेप्ट ऑल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एटमोस्ट टू। एटमोस्ट टू का मतलब क्या है, जिसकी लेंथ मैक्सिमम क्या हो, टू, मैक्सिमम क्या हो, टू। इसका मतलब क्या है कि वो लेंथ जीरो वाली स्ट्रिंग को भी एक्सेप्ट करेगा, लेंथ वन वाले को भी करेगा, लेंथ टू वाले को भी करेगा, इसके बाद जो भी स्ट्रिंग आएंगी उसको वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम इसके लिए, जैसे मान लो कि कोई भी स्ट्रिंग आई तो इसकी हम सबसे पहले लैंग्वेज लिखेंगे। तो स्ट्रिंग जिसकी लेंथ जीरो हो उसको हम किस तरह से डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन से। ठीक है, एप्सिलॉन हो गया, ठीक है, ये सिग्मा होता है, ये एप्सिलॉन हो गया, कॉमा स्ट्रिंग लेंथ वन टू, ये क्या हो गया, लैंग्वेज। लैंग्वेज कैसी है, फाइनाइट है, क्योंकि नंबर ऑफ स्ट्रिंग क्या है, फाइनाइट है। तो इसको एक्सेप्ट करा के देखते हैं, अब डीएफए बनाते हैं। अगर एप्सिलॉन को कोई भी डीएफए एक्सेप्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि इनिशियल स्टेट इसकी क्या होगी, फाइनल स्टेट होगी, क्योंकि लेंथ जीरो की स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करना है। ठीक है, तो ये डू नॉट हो गया। अब ए को रीड करने के बाद स्टेट पहुंचे, वो भी क्या होनी चाहिए, फाइनल स्टेट होनी चाहिए।
ठीक है, बी को रीड करने के बाद स्ट्रिंग की लेंथ 2 है, तो एक और ए भी आए तो उसको भी क्या करना चाहिए, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, मतलब ये भी क्या होगी, फाइनल स्टेट होगी। ठीक है, इसके बाद अगर 2 से ज्यादा लेंथ आई, 2 से ज्यादा लेंथ आई तो उसको क्या करना है, रिजेक्ट करना है, मतलब अगर एक और लेंथ आई तो उसको क्या करना है, रिजेक्ट करना है। और इसके बाद अगर कोई भी स्ट्रिंग आती है उसको हम क्या करना है, रिजेक्ट करना है, क्योंकि 2 से ज्यादा लेंथ की जो भी स्ट्रिंग आएगी उसको हम क्या करना है, रिजेक्ट करना है, क्योंकि एटमोस्ट क्या होना चाहिए 2। ये क्वेश्चन और रूल लेंथ एग्जैक्टली 2 डिफरेंट है, क्योंकि उसमें हमने केवल उन स्ट्रिंग को एक्सेप्ट किया था जिसकी लेंथ एग्जैक्ट 2 है, इसमें क्या है एटमोस्ट 2, मतलब 2 को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं हम, 2 या 2 से कम उन सबको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ए कॉमा बी, ए कॉमा बी, ये हमारा एक ऐसा डीएफए है जो उन सारी स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट कर रहा है जिसकी लेंथ क्या है एटमोस्ट 2 है। देखो एप्सिलॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, लेंथ ए की स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहा है, लेंथ 2 की स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहा है, और अगर मानो 2 से ज्यादा है ए बी ए तो उसको हम क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।